हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जिस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वो है ये बातचीत हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे समाज की। और इस सच्चाई की वजह से जो कुछ मतलब है, कुछ चीज़ें होती है जो समाज में चलती रहती है, हमेशा बोली जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है, पर उनका असर कितना बड़ा होता है सोसाइटी पे, इस चीज़ का हम बहुत कम ध्यान दे पाते। और आज जो मैं आपको बात करने जा रही हूँ वो एक्चुअली दो शब्दों के इर्द गिर्द मेरी पूरी बातचीत घूमती है, वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देखिए, मैं क्योंकि मैं खुद महिला हूँ तो मैं लड़कियों की बात या औरतों की बात करूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे जो पुरुष हैं या जो मेल हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आज का डायलॉग हमारा सिर्फ इसी को लेके है। हमारे समाज में अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर जैसे जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की गांव में रहती है या शहरों में भी, मतलब हमारे बेसिकली गांव शहर में जो भी है, लेकिन हमारे डायलॉग्स, हमारी समझ, हमारा पैटर्न, हमारा सिस्टम, रिचुअल सब सेम है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। गांव से ही लोग शहर में आते हैं तो वो अपने साथ अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी सोच को, समझ को, सबको साथ ही लेके आते हैं। फिर धीरे धीरे बदलाव भी होता है, समाज बदल भी रहा, लेकिन जो मेजॉरिटी हिस्सा है लड़कियों का, जो हम ब्रोटअप करते हैं, अगर मैं कहूँ कि हम लड़कियों का जो बड़ा करते हैं वो एक डिपेंडेंट मेंटेलिटी के साथ बड़ा करते हैं। मतलब उसको बचपन से ही, उसको एक समझ होती है लड़की को बचपन से ही, रिलेटिव्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल में, हर जगह, मतलब एक एक ही चीज़ उसको समझाई जाती है। कोई राजकुमार आएगा जो तुम्हें बचा लेगा, कोई है जो तुम्हें बाइक पे घुमा देगा, कोई है जो हमेशा तुम्हारे प्रोटेक्शन में खड़ा रहेगा, कोई है जो तुम्हें मतलब हमेशा एक कोई ना कोई रहेगा तुम्हारे आस पास जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हें समझाएगा। और हम लड़कियाँ भी उसी तरह से बड़ी होती हैं कि मतलब कोई है, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो हस्बैंड तो है ही, हस्बैंड तो है ही जो आपको हर जगह ले जाएगा। इसलिए हम कभी सेल्फ ड्राइव करने की कोशिश नहीं करते, खुद से रास्ते ढूंढने की कोशिश नहीं करते, खुद से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई है जो कर देगा, और एज के हिसाब से वो चीज़ें अलग अलग चलती। अब एक ओल्ड एज में तो सबको ज़रूरत होती है, मेल फीमेल हो, लेकिन एक डिपेंडेंट मेंटालिटी के साथ बड़े होने का नुकसान ये होता है कि जब जिंदगी में आपके ऊपर कोई तकलीफ आ जाती है, कोई सेटबैक आपको लगता है, कोई है नहीं जब आपके लिए कोई करने वाला, तब आपकी जिंदगी रुक जाती है। आपको इतना बड़ा हादसा मिलता है, इतना बड़ा, मतलब आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये दुनिया है क्या, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और अगर बचपन से ही हम लड़कियों को एक इंडिपेंडेंट, जैसे लड़का होता, मैं अभी किसी से मिली, बहुत बड़ा नहीं है उम्र में, छोटा ही है, 12th पास करके जॉब लग गया, तो बहुत अच्छी फैमिली से भी नहीं है लड़का, बहुत सिंपल परिवार से है, एक छोटी मोटी नौकरी करता है। तो जब मैंने उससे बात की तो वो बोला कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना, क्योंकि कोई आएगी तो मुझे उसको खाना खिलाना। तो लड़कों में कहीं ना कहीं बचपन से ही हम ये बात समाज के थ्रू, बातों के थ्रू, व्यवहार के थ्रू, किताबों के थ्रू, मतलब हर चीज़ में हम एक चीज़ ही को ही डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुझे तो कमाना है, तुझे तो किसी के लिए करना है, तुझे तो खड़े रहना। तो उनकी मेंटेलिटी हमेशा एक इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी चलती। और अगर कोई लड़का मान लो या परिवार में पुरुष या जो एक डिपेंडेंट है तो वो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता, लेकिन लड़की को जितना डिपेंडेंट होगी उतना ही उसको इज्जत मिलेगी। तो यानी कि वो खुद भी, समाज भी उसको ऐसे ही बड़ा करता है, वो खुद भी इसी तरह बड़ी होती है, और फिर परिस्थितियाँ भी ऐसी ही होती हैं। परेशानी वहाँ आ जाती है जहाँ वो बड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया या बच्चे हो गए, उसके बाद वो एकदम ब्रेकअप हो गया, सब खत्म हो गया, अब क्या करूँ। उस वक्त अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, उसका अपना इनकम सोर्स नहीं है, उसके अपने रिलेशंस नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, सपोर्टर्स नहीं है, ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। और ज़िंदगी एक नहीं, उसके साथ की सारी जिंदगियां, जो बच्चे हैं, मासूम हैं, वो सब उसी नर्क से गुजरते हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ ऐसा। तो दोस्तों,
आज का मेरे खास तौर पे पेरेंट्स का और मैं पूरे समाज को महिलाओं को खास तौर पे हम जब ये बातचीत हम करें और जो हम जो बेटियों की माएँ हैं उनको खास तौर पे ये बात ध्यान देने की है कि लड़की को बचपन से ही हम एक डायलॉग दें, या तो उसको बचपन से ही कोई स्किल डेवलप करिए, जैसे कुछ भी छोटा मोटा, मान लो उसको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, पढ़ने में अच्छी है, या वो डांसर है या वो सिंगर है, मतलब उसका एक स्किल डेवलप होना चाहिए बचपन से ही। आप किसी भी कीमत पे बच्चे का स्किल डेवलप करिए। देखिए मार्केट में वही चीज़ बिकती है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर किसी व्यक्ति के पास हुनर है तो वो कभी ज़िंदगी में ठोकर नहीं खाता, कुछ भी परिस्थितियाँ हों। लेकिन आपके पास हुनर भी नहीं है, आप डिपेंडेंट रहे हैं, और जब ज़िंदगी में मुसीबतें पहाड़ बन के आपके सामने आती है तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, हम आज से ही लड़कियों को बचपन से ही उनको ये हम शिक्षा दें शुरू से ही कि तुम्हें डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट होना है, तुम्हें अपना काम खुद करना है, तुम्हें अपने लिए रास्ते खुद तय करने हैं, तुम्हें खुद ठोकर खानी है और तुम्हें खुद समझना है। और आप फिर देखेंगे कि धीरे 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 महिलाओं में, लड़कियों में किसी भी चीज़ को, सेटबैक को, फेलियर को, ज़िंदगी में कोई रिलेशन ब्रेक हो गया है, कहीं कुछ एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, कहीं कुछ सेटबैक लगा, मतलब किसी भी तरह का, मान लो फिजिकल डैमेज है, कोई कुछ भी है, वो उसको ले के उभर के आगे बढ़ने वालों की श्रेणी में आ जाएगी। आप अगर ये बात नोटिस करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा नुकसान में महिलाएं और बच्चे, यही दो कैटेगरी ऐसी है जो हमेशा नुकसान में रहते हैं। आग में पहले जलते हैं, सुनामी में पहले बहते हैं, एक्सीडेंट में पहले मरते हैं, इकोनॉमिकली पीछे पहले रहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो तो डिपेंडेंट होते ही हैं, लेकिन महिलाओं का भी एक डिपेंडेंट मेंटालिटी बनती है बचपन से ही, वो उससे इतनी आदी हो जाती है कि वो, और अगर मान लो कोई नहीं है तो फिर वो सब ढूंढने में लग जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लड़कियों को बचपन से ही एक इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के साथ खड़ा करें। और मेरा उन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है जो अपनी बच्चियों की शादियों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वो समाज के लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है, सामाजिक रिकग्नाइजेशन ज़रूरी है, लोगों को खिलाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, पर उतना ही खर्चा करिए जितना एक नॉर्मल वे में किया जा सके, बाकी सारे पैसे को आप उस बच्ची के अकाउंट में डाल दीजिए उसका एक, क्योंकि देखिए अगर आपको सोसाइटी में कहाँ से संबल मिलता है, या तो आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, या आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, या आप सोशली स्ट्रांग हैं, ये तीनों चीज़ें महिलाओं के पास अक्सर नहीं है। फिजिकली वीक होती है, सोशली उसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, और इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, और इसीलिए हमेशा, और काम भी उसको ही ज़्यादा करना है, जो देना है वो उसको ही बहुत ज़्यादा देना है, लेकिन उसके हिस्से में हमेशा कम आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि हम अपनी बच्चियों को, हर लड़की को एक स्किल के साथ डेवलप करें, कोई भी हुनर हो इसमें, उस हुनर को इस तरह करें कि कल को हमेशा हर पेरेंट्स को, हर इंस्टीट्यूशन को, कि हर समाज को ये ध्यान रखना है कि कल को जब इसकी ज़िंदगी में सेटबैक आएगा तो ये उससे कैसे उभरेगी। और फिर आप देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हम खुद अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और आपका अगर इसी तरह मोटिवेशन रहा तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे और भी आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आऊँगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़रूरी है, कोई देखे समझे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।